हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा मोटो G34 5G फ़ोन है, तो मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर जो हमारे फ़ोन में स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स हैं, तो स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और कैसे अपने फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं, और आइकन्स वगैरह को आप स्टेटस वार में कैसे शो कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स को सेट कैसे कर सकते हैं और कैसे आप शो कर सकते हैं स्टेटस वार आइकन्स को। तो आज हम बताने वाले हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाने ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो आपको स्वाइप करना है। तो स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। सिंपली आपको सेटिंग्स पे जाना है और क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स ओपन हो जाएगी। तो जो हमारे फ़ोन में स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स हैं, तो स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स को आप सेट कैसे कर सकते हैं और आइकन्स को कैसे शो कर सकते हैं स्टेटस वार आइकन्स में, तो आज हम बताने वाले हैं। तो सिंपली सेटिंग शो हो रही है, तो आपको सर्च करना है स्टेटस वार आइकन सेटिंग, जिसको आप शो कर सकते हैं और आइकन्स वगैरह को भी स्टेटस वार पे शो कर सकते हैं। सिंपली हाइड एंड साइलेंट करते हैं तो स्टेटस वार आइकन्स यहाँ से सेट कर पाएंगे कुछ इस तरीके से। जो भी आइकन्स होते हैं नोटिफिकेशंस के, उनको हाइड कर सकते हैं आप यहाँ से, एंड आप इसको ऑफ कर देंगे तो आइकन स्टेटस वार पे शो हो जाते हैं। इसी तरीके से बैटरी परसेंटेज को भी आप हाइड कर सकते हैं, इसको ऑफ कर देंगे तो बैटरी परसेंटेज शो नहीं करेगी स्टेटस वार पे, ना ऑन करते हैं तो शो कर जाती है स्टेटस वार आइकन्स पे, जिसको आसानी से आप शो कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेटस वार आइकन सेटिंग्स को सेट कर सकते हैं मोटो G34 5G फ़ोन में। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।